हेलो एंड नमस्कार गाइस। हेलो एंड नमस्कार गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो। गाइस, कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज है ना, फाइनेंस निफ्टी की होगी एक्सपायरी। एंड अगेन ब्रेकिंग न्यूज आपको नोट बता देता हूँ, परसों के दिन स्टॉक मार्केट बंद है, वेनसडे के दिन। ओके, पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन मार्केट कैसा रहा, पूरा दिन खराब हो चुका है। अब कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दे रही है। अब यहाँ पर एक कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, फाइनेंस निफ्टी के बारे में ही बात करूंगा सबसे पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन है फाइनेंस निफ्टी निचले स्तरों से रिकवरी में, मात्र 8 पॉइंट प्लस चल रही है, क्लोजिंग लेवल पर है। मात्र बंद होने में मार्केट ज्यादा देर नहीं बची। निचले स्तरों से भारी भरकम रिकवरी दिखाई दे रही है, बट ऊपरी स्तरों से सेलर भी प्रेशर नजर आ रहा है। एंड डेली चार्ट की कैंडल स्टिल बोल रही है कि एक हैमरेटिक कैंडल बनने की कोशिश की जा रही है इस पॉइंट लेवल के करीब करीब। मतलब मार्केट में ये पॉइंट लेवल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इस वक्त मैं वन डे चार्ट के अलावा मैंने देख रहा हूँ कि 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट पर मेरे पास सेलिंग का सिग्नल चल रहा है, वो भी फाइनेंस निफ्टी पर। एंड बेचने की ही सलाह दूंगा एग्जैक्टली, खरीदारी के फिलहाल कोई सलाह नहीं है जब तक कि ये ऑल टाइम हाई हिट्स को ब्रेक नहीं करता पूरी तरीके से। एंड ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता थर्सडे, कल की एक्सपायरी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजनिंग हो सकती है। एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर तो तकरीबन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि निचले स्तरों से एक रिकवरी शार्प लाइन एक क्रिएट करके रखा है मार्केट ने। यदि इस लाइन को यदि ब्रेक करता है तो ही मार्केट में बड़ी तेजी रिवर्सल आएगा, या फिर यहाँ से गिरावट आती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बार ऑल टाइम हाई अचीव कर देने के बाद मार्केट में यूफोरिया जैसी परिस्थिति बन गई थी, एंड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। एंड कल के दिन निचले स्तरों पर जाने की भी संभावना बनती है। तो नीचे जाएगा मार्केट तो कैसे जा सकता है, और ऊपर जा सकता है मार्केट? तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, यदि ये 16 पॉइंट प्लस बंद होता है और यहाँ से गैप अप खुलता है मार्केट, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ठीक है, कल के दिन यूएस मार्केट भी दिखा सकता है। तो इस पॉइंट के करीब करीब फिर से नीचे मार्केट आएगा एंड वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। यदि नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब 19,400 के 482 के नीचे, 470 के नीचे, तो इस लेवल से फिर से एक बड़ी गिरावट के संकेत बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मेक और ब्रेक का लेवल होगा फाइनेंस निफ्टी के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर आप बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए वीकली चार्ट के दिखाई दे रहा है निचले स्तरों से रिकवरी, रिकवरी बड़ी ही मजबूत है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बड़ा ही मजबूत है। मैंने बोला था कोई भी बीटीएसटी लेकर मत जाना, मैं क्लियर कट बोला था आप लोगों को, कोई बीटीएसटी लेकर नहीं जाना है। इन द केसेस मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, मतलब 43,800 के लेवल, 900 के लेवल को ब्रेक ना करे, या फिर डेली लेवल्स जो कि 43,400 का लेवल, तकरीबन 350 का लेवल है, उसको ब्रेक ना करे, जब तक के लिए कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी को किसी प्रकार का कोई मूवमेंट आता हुआ नजर नहीं आएगा आप लोगों को। एंड बात करते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी डेली चार्ट्स में स्टिल मुझे लगती है कि प्रॉफिट बुकिंग एरिया के करीब करीब रुक चुका है मार्केट। आज पूरा पूरी तरीके से मार्केट देख रहा है कि मार्केट क्या करना चाहिए, रिवर्स या फिर कंसोलिडेट। आज पूरा कंसोलिडेट व्यू रहा, कल के दिन की जो लास्ट कैंडल थी उसके अंडर ही रहा मार्केट। एंड जब तक कि इस लेवल को ब्रेक ना करे, यदि 18,758 को 760 को ब्रेक ना करता, बड़ी तेजी नहीं होगी। एंड रिकवरी यदि गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से गिरावट करना सही रहेगा, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए तकरीबन 18,590 के लिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो साइड वे देखो, एक चीज आप जो चीज मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, तो आप लोगों को एक चीज पता चल जाएगी, मार्केट में सेल ऑफ आने के चांसेस ज्यादा हैं, सेल ऑफ आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक इसका कारण, बहुत बड़ा कारण क्या है, देखो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हुई थी, राइट है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। फाइनेंस निफ्टी या फिर निफ्टी का भी चार्ट खोल के दिखा दूंगा मैं आपको। तो ध्यान से देखो, एक ये फाइनेंस निफ्टी का वन डे चार्ट स्ट्रक्चर है। तो वन डे में बहुत बड़ी एक बार तेजी हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में तीन मोड होते हैं, एक तो बाइंग मोड जो आप लोगों के सामने यहाँ पर खत्म हुआ, एक साइडवेज जो कि आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, एंड यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है स्टिल। तो मार्केट में मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग, जोरदार प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी, साइडवेज, उसके बाद फिर बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं, यहाँ पर अलर्ट होने की सलाह होगी। एंड बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन बन रहा है। देखो यहाँ पर, तो यदि मैं देखो तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी डेली चार्ट्स में,
उसके बाद एक बड़ा बढ़िया वाला साइडवेज दे चुका है मार्केट, एंड गिरने के लिए ऑलमोस्ट रेडी खड़ा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खड़ा है मार्केट, पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे अब फाइनली। एंड निफ्टी को भी हम देख लेते हैं एक बार डेली चार्ट्स में, तो अब निफ्टी का व्यू भी क्लियर कट कर देते हैं यहाँ से। तो निफ्टी का व्यू भी तकरीबन एक साइडवेज एक स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है इस पर, तो यह एक बढ़िया तेजी है। एंड बट यहाँ जाकर रुक चुका है मार्केट, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश कर सकता है 18,000 तक के लेवल के लिए मार्केट कर सकता है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना, एंड थैंक यू, धन्यवाद गाइस। रिक्वेस्ट करता हूँ यदि कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।